बलिशी अजमल घर अवतार की जय। हालो हर जी हालो हर जी देव रे हो दुखिया ने सुखिया दुखिया ने सुखिया करे बाबू साजा करे रे तट की ताड़ा हो तट की ताड़ा टूटिया नी झटकी पड़ी वो जंजीर रत्नो रत्नो हाजिरी धन रंग हो जा धन रंग हो जा मरुधर में ज्योति जगाय रे बाबो थोड़ी धजा पहराय मरुधर में ज्योति जगाय रे बाबो थोड़ी धजा पहराय गयो उमारो सावरियो बनवारी मारो सावरियो बनवारी बनो पच रंग पे दाधारी मारो सावरियो बनवारी बनो पच रंग पे दाधारी भगतारी कारण अजमल घर अवितार लियो असुंबली के सरिया बागा रोशनगार लियो मरुधर में ज्योत जगाव कर बाबो थोड़ी धजा पहराव कर मारो सावरियो बनवारी बनु पच रंग पे चाधारी मारो सावरियो मनवारी बनु पच रंग पे चाधारी भगतारे कारण अजमल घर अब थाग लियो सुंबली के सरिया मरुधर में ज्योत जगाय गयो बाबू दौड़ी धजा पहराय गयो एक बार सभी लोग बोलेंगे अजमली पुण्य कमालो
पचमली पुण्य कमायो धन पुत्र रूप में पायो मेणा दे लाड लडायो मागड़ पण दूध पिलायो मेणा दे मेणा दे लाड लडायो मागड़ पण दूध पिलायो और भादरवारी दूजन आय गयो चाननिया सो चमकाय गयो भादरवारी दूजन आय गयो भादर ओ चाननिया सो चमकाय गयो भाई सुगना आरती गावे हरि हर जी चमन डुलावे भाई सुगना आरती गावे भाती हर जी चवर डोलावे श्री लक्ष्मी रूपन बल दे संग में प्याव दियो कसुमल के सरिया कसुमल के सरिया बागा रोशन मरु घर में जोत जगाय गयो बाबो थोड़ी तजा पहराय गयो हेलो बाबा रामदेव जी महाराज ये दुनिया में जो जो काम उन्होंने किए आज हम सभी लोग यहां पर 36 कौम के लोग बैठे हैं। आपके पास में कौन सी जाति का आदमी बैठा है आपको पता नहीं। यदि हम 4-5 लोग मित्र आए हैं तो पास में बैठे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन हम यदि नहीं जानते तो हमारे पास में कौन बैठा है और वो किस जाति का है या किस समुदाय का है ये आपको हमको पता नहीं। मित्रों, इस देश में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत काम की बात को कह रहा हूं कि इस देश पर कहा जाता है कि साहब विदेशी लोगों का इस देश पर आधिपत्य रहा, यानी उनकी गुलामी हमको सहन करनी पड़ी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि इस देश में छुआछूत से ये समाज बहुत ज्यादा ग्रसित हो गया था। ऊंच नीच के भेदभाव से ये समाज, हिंदू समाज आपस में टूट टूट कर बिखरने लग गया था। और मैं मध्यकाल की बात कर रहा हूं, जो इतिहास के विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं, इतिहास की आपने पढ़ाई की है तो एक एक, एक कालखंड है लो जो 14वीं-15वीं शताब्दी का जो समय था उसको मध्यकाल कहा जाता है। और उस समय इस देश में बहुत ज्यादा ऊंच नीच और छुआछूत का मामला चलता था। आदमी को जाति से ऊंचा या जाति से नीचा समझा जाता था। आज ऐसा नहीं है। और उस युग में बाबा रामदेव जी महाराज ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर, बाबा रामदेव जी महाराज जिनको समाज में नीचे तबके का माना जाता था, बाबा रामदेव जी महाराज उनके घर पे पानी पीते थे, उनके घर पे भोजन करते थे। उस घर में या गरीब लोगों में कोई बीमारी हो जाती थी तो बाबा रामदेव जी अपने हाथों से गरीब लोगों के पांव तक भी दबाते थे। और इस बात के कारण से लोगों ने, जिनको कोई देखना तक पसंद नहीं करता था, यदि एक राजकुमार होके जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेके शबरी के झूठे बेर खाए, उसी प्रकार बाबा रामदेव जी महाराज ने समाज के गरीब लोगों में घर पे जाके उनकी सेवा की, उनकी सहायता की।
तो धीरे धीरे उन लोगों ने बाबा को भगवान मानना शुरू कर दिया।